जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-23 के एग्जाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मैं राजकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सब एडवांस स्काउट मास्टर अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नेशनल लेवल का जो CVT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उनके जो प्रश्नोत्तर होते हैं, उनके जो पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न पर आधारित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार 2022-23 के CVT एग्जाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-23 के CVT एग्जाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, BSG निम्न में से किनका सदस्य है? ऑप्शन ए बाइक्स, ऑप्शन बी वजम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। BSG बाइक्स और बोजम दोनों का सदस्य है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मूलाधार नहीं है? ऑप्शन ए परिभाषा, ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन सी आचरण, और ऑप्शन डी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचरण। तीसरा प्रश्न है, गर्ल गाइड एसोसिएशन का BSG में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 7 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 22 फरवरी 1949, और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1951। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 अगस्त 1951। चौथा प्रश्न है, भारत में बॉयज स्काउट एसोसिएशन के पहला दल किसने खोला? ऑप्शन ए के टी टोंड, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कैप्टन TH बेकर, और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैप्टन TH बेकर। पांचवा प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय जम्बूरी कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली 1937 में। छठा प्रश्न है, स्काउट गाइड का सदस्यता बैज किस रंग का होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, और ऑप्शन डी हरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरा रंग का होता है, और रोवर रेंजर्स का लाल रंग का होता है। सातवां प्रश्न है, बहादुर प्रेम की खाली जगह दिलों में प्रेम का सागर खाली स्थान भरे। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी नदी, और ऑप्शन डी गंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा। आठवां प्रश्न है, दल कंपनी के झंडे का नाप क्या होता है? ऑप्शन ए 180 × 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 120 × 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 120 × 160 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 20 × 30 × 30 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 120 × 80 सेंटीमीटर। नौवां प्रश्न है, बाइक्स वर्ल्ड सॉन्ग कब अपनाया गया? ऑप्शन ए
12वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी 13वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी 14वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और 15वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, यानी 1950 में। दसवां प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस 2016 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए ग्रो, ऑप्शन बी इम्पैक्ट, ऑप्शन सी थिंक अबाउट वाटर और ऑप्शन डी कनेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनेक्ट। और चिंतन दिवस थीम की शुरुआत 2005 में हुई थी। 11 नंबर का प्रश्न है, दूसरी विश्व जम्बोरी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेनमार्क। 12 नंबर का प्रश्न है, बीएसजी के वर्तमान प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए के खंडेलवाल, ऑप्शन बी अनिल कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी मनोज तिवारी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वह है डॉक्टर अनिल कुमार जैन। 13 नंबर का प्रश्न है, बीपी के दूसरे हाउस का यानी घर का क्या नाम था? ऑप्शन ए पैक्स हिल, ऑप्शन बी पैक्स टू, ऑप्शन सी ओलिव हाउस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पैक्स टू। 14 नंबर का प्रश्न है, 1930 में किसे वर्ल्ड गाइड चीफ घोषित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेडन पावेल, ऑप्शन बी लेडी वेडन पावेल, ऑप्शन सी एग्नेस वेडन पावेल और ऑप्शन डी गुड ईयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेडी वेडन पावेल। 15 नंबर का प्रश्न है, संगम वर्ल्ड गाइड सेंटर खुला ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1966, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1964, ऑप्शन सी 7 नवंबर 1966 और ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1966। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1966 और इनका उद्घाटन लेडी वेडन पावेल के द्वारा किया गया था। 16 नंबर का प्रश्न है, एक लंबी सीटी का अर्थ है? ऑप्शन ए शांत हो जाओ, ऑप्शन बी सावधान, ऑप्शन सी अगले आदेश की प्रतीक्षा करें और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 17 नंबर का प्रश्न है, आदेश कमांड के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन और ऑप्शन डी चार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीन भाग होते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, व्हिपिंग के विकल्प के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अष्टाकार गांठ, ऑप्शन बी अष्टाकार बंधन, ऑप्शन सी ध्रुव गांठ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अष्टाकार गांठ। 19 नंबर का प्रश्न है, दो चिकनी या भींगी या फिसलने वाली रस्सी को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लघुकर गांठ, ऑप्शन बी खूटा फांस, ऑप्शन सी मछुआरा गांठ और ऑप्शन डी टिम्बर हिच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मछुआरा गांठ। 20 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन शिविर औजार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए फावड़ा, ऑप्शन बी आरी, ऑप्शन सी चाकू और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 21 नंबर का प्रश्न है, आग के प्रकार हैं? ऑप्शन ए पिरामिड फायर, ऑप्शन बी ट्रेंच फायर, ऑप्शन सी हंटर फायर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 22 नंबर का प्रश्न है, यदि फॉरवर्ड बियरिंग 360 डिग्री है तो बैकवर्ड बियरिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 540 डिग्री,
ऑप्शन बी 110 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 160 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 180 डिग्री। 23 नंबर का प्रश्न है, मानचित्र में ईस्टिंग और नॉर्थिंग को कितने अंकों में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। 24 नंबर का प्रश्न है, पर्यटक मानचित्र यानी टूरिस्ट मैप किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए काल्पनिक मानचित्र, ऑप्शन बी वास्तविक मानचित्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काल्पनिक मानचित्र। 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां कितनी हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। 26 नंबर का प्रश्न है, बीएसजी के पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न रीजन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी गदपुरी और ऑप्शन डी पचमढ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में गंगानगर में। 27 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी स्वच्छता अभियान, ऑप्शन सी पर्यावरण जागरूकता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 28 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए कौन सी दस्तावेज सभी के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए इकोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी सेल्फ डिफेंस, ऑप्शन सी डिजास्टर मैनेजमेंट और ऑप्शन डी एड्स अवेयरनेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन बैच। 29 नंबर का प्रश्न है, वैक्स का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी लंदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लंदन। 30 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्काउट सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी हंगरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेनेवा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल 30 प्रश्नों की जानकारी प्राप्त किए हैं। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई राष्ट्रपति पुरस्कार से जुड़े प्रश्नोत्तर की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।